ये भागीरथी नदी है जिसका इतिहास लगभग हर हिंदुस्तानी को मालूम है। सदियों से ये इसी तरह से मानव को जीवन प्रदान करती आई है। आज यहाँ उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में, इसी पवित्र भागीरथी नदी गंगा माँ के किनारे पर मैं मौजूद हूँ। इस जीवनदायिनी, अति महत्वपूर्ण मातुश्री के किनारे पर, ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी, ये रेत है। इस रेत को और इन चट्टानों को, इन पत्थरों को इस गंगा नदी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बाढ़ आई है, पहाड़ियाँ धसकी हैं और बादल फटे हैं, जिससे कि कई सौ लोग हमने खो दिए, कई महत्वपूर्ण जीवन समाप्त हो गए। और उसके पीछे कारण है प्रकृति का दोहन, और उसमें एक चीज़ है रेत का यहाँ से निकाला जाना और उसको मकानों के निर्माण में या किसी और जगह उसका इस्तेमाल होना। ये आप देख रहे हैं, आप फावड़े और कसले पड़े हुए हैं गधों पर, खच्चरों पर, अभी अभी कई सारे लोग निकल गए लाद कर इसे। क्या मेरे जैसे अन्य भारतीयों के मन में ये विचार नहीं उठता कि हम प्रकृति का आनंद लेने और गंगा माँ के आंचल में आकर स्नान करने के लिए और बड़े बड़े धर्म त्यौहार मनाने के लिए तो यहाँ आ जाते हैं, पर इसकी रक्षा भी करना हमारा ही कर्तव्य है? यदि हाँ तो मिलजुल कर बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि सिंगल रोड को डबल बनाने के लिए हम पहाड़ियाँ काटें या फिर हम इन दरख्तों को उजाड़ फेंकें। देयर आर अदर बेटर वेज। हम 2016 में रह रहे हैं, 1816 में नहीं, कि हमारे पास तकनीकी सुविधाएं नहीं हैं। सो लेट्स कम टुगेदर टू सेव द नेचर, द पर्यावरण एंड द कंट्री। लव यू मां।